तो वहीं खबर आ रही है बलौदाबाजार से, जहां 10 जून को सतनामी समाज द्वारा एक दिवसीय महा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं सतनामी समाज को अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में बलौदाबाजार पहुंचे और इस महा आंदोलन को सफल बनाएं। वहीं भीम क्रांतिवीर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर नवरंगे द्वारा बलौदाबाजार दशहरा मैदान में 10 जून को होने वाला महा आंदोलन स्थल का निरीक्षण किया और आंदोलन की तैयारियां को लेकर क्या कहा, सुनिए। आप सभी संत समाज को सादर जय सतनाम। आज सतनामी समाज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हुआ है और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया और 10 तारीख को जो महा आंदोलन है समस्त सतनामी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय, वह आंदोलन का भरपूर तैयारी हो रहा है। हर जिलों से सभी लोग अपने स्तर में काम कर रहे हैं। ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन रहेगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता। जिसका जमीर जिंदा होता है वो दौड़े चले आते हैं और समाज की लड़ाई में आप सबको आना है, हम सबको आना है। ये समाज की लड़ाई है, किसी के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर आज हम लोग चुप रहे तो कल मारे जाएंगे। इसलिए आप सब से इस बाइट के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि हर घर से कम दो दो आदमी निकलिए और समाज का एकता दिखाइए, ताकत दिखाइए, शक्ति प्रदर्शन दिखाइए। जो 10 तारीख को कार्यक्रम है, कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है या प्रशासन का स्टेटमेंट देख के कई लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भैया आंदोलन होगा कि नहीं, आंदोलन होगा कि नहीं। कि आंदोलन किसी प्रकार से स्थगित नहीं हुआ है, आंदोलन होगा और होकर रहेगा और हम लोग का पूरा तैयारी आंदोलन में फोकस है। हम लोग तन मन धन से पूरा आंदोलन के लिए लगे हुए हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि अपने आसपास अपने समाज के जितने भाई बंधु हैं सबको बोलिए और आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आइए। और बलौदाबाजार में ऐसा होना चाहिए कि वाकई में समाज के लोगों में इतना ताकत है कि बलौदाबाजार एक जगह नहीं बचा है, समाज इतने जनसंख्या में आए हैं। और बलौदाबाजार जिला जो है बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। तो आप सबसे मैं अपील करता हूं कि 10 तारीख को बढ़ चढ़ के आइए। शासन प्रशासन द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी अल्टीमेट आता है, शासन प्रशासन द्वारा घोषणा होता है, वो तो पूरा समाज देखेगा। और यही सब बातों के साथ मैं आप सबसे पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को उपस्थित हो।